भाइयों, आज हम लोगों ने देखा है कि बैरियर टाउन में ऑफिसेस वगैरह ओपन करने की इजाज़त दे दी है सिंध गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करते हुए, और काफ़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की हिदायत मिली है। उनके अपने ऑफिसेस भी ओपन हुए हैं, तो इसमें आप लोग क्या देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरह मूव करेंगी, ताकि किस तरह से इसको प्रिवेंट भी करेंगे और काम में प्रोग्रेस भी होगी, तो उस पर कुछ कमेंट कीजिए। बिल्कुल, आज ये जो स्मार्ट लॉकडाउन आप जैसे कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो SOPs आए हैं और उस तरीके से बैरियर में चीज़ें ऑपरेशनल हुई हैं, बेसिकली इट्स अ गुड साइन कि सारी चीज़ें ऑपरेशनल होने जा रही हैं। या कुछ आज एक एक्सरसाइज थी, जैसे हम लोग भी ऑफिस वगैरह को ओपन करके गए और चीज़ें थोड़ी जैसे भी मतलब स्मूथ होने के लिए चली। बिल्कुल हर चीज़ जो स्टक हुई हुई थी, चीज़ें बिल्कुल अभी कोई चीज़ मूव नहीं कर रही थी। जैसे वो बैरियर का हेड ऑफिस भी आज ओपन हुआ और बैरियर ने बड़ी उसी तरीके से जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि जो लोग बैरियर के इवन हेड ऑफिस के मेंबर्स हैं उनके लिए पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनके टेस्ट वगैरह करवाए गए हैं और जो लोग उसमें से कोरोना नेगेटिव आएंगे उनको ही ऑपरेशनल जो उसके सारे मामला हैं उसमें बिठाया जाएगा। अदरवाइज बाकी अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोग ऐसे जो इन्फेक्टेड हैं या जिनसे डिजीज स्प्रेड हो सकता है कुछ ऐसा है तो उनको शुरू से ही बैरियर ने फिल्टर किया है। तो ये जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड को अगर आप फॉलो करें या उनके जो SOPs बनाए गए हैं तो उसी के मुताबिक बैरियर इसको यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ों को एग्जीक्यूशन उसी तरीके से है। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी एक्सरसाइज थी टुडे क्योंकि लोगों को बड़ा आते हुए हर बंदे का टेम्परेचर चेक किया जाता है जब बैरियर में कोई भी एंटर होता है और जाते भी इवन उसके पूछा जाता है कि मतलब तो आप ना जाएं या कोशिश करें कि अवॉइड करें आप आउटसाइड जाने की, अपनी इस कम्युनिटी को, अपनी इस बाउंड्री वॉल के अंदर के लोगों को सेफ करने के लिए और उनकी सारी सेहत को, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बैरियर अच्छी एफर्ट कर रहा है। तो बाकी ये कि अब क्योंकि लेबर भी उसने भी आना है अपने काम, सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं ये सारे स्टार्ट होने हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चीज़ का आगाज़ तो हुआ। अब बैरिया ने जैसे NOCs के लिए कहा कि जो लोग बैरिया में आना चाहते हैं उनके लिए बैरिया पहले कंपल्शन है कि दे हैव टू गेट द NOC टू रिजाइड हियर। तो उसके लिए बैरियर ने पहले SOPs दिए थे कि लोग अपने सारी फैमिलीज़ के और सारे वो टेस्ट वगैरह कोरोना के करवा के आएँ ताकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको सेफ किया जाए, जो पहले रह रहे हैं लोग उनको भी और जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए भी उनकी हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें असेंशियल हैं। सेम इज़ द केस कि आज लेबर के लिए और इसके भी SOPs बनाए गए हैं कि आप सुबह कितने बजे से लेके शाम कब तक काम कर सकते हैं, अपने लेबर्स को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे और किस किस तरीके से काम कर पाएंगे। पूरे के पूरे एक SOPs हमारी जो आज लोग जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें लोग आए हैं तो हमें पहले हेड ऑफिस की तरफ से सारी SOPs वगैरह दिए गए हैं कि इस तरीके से आपने काम को लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन के रुके थे ये लॉकडाउन और इस मामला की वजह से इंशाल्लाह वो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपका क्या ओपिनियन है भट्टी साहब? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा जो साइन स्मार्ट जो है ना लॉकडाउन की तरफ दोबारा चल पड़ा है, कि एक तो इन्होंने टाइमिंग जो है ना फिक्स कर दी है बैरियर की, पहले भी थी कि सुबह जो है ना से लेके और शाम 5 बजे तक जो रेजिडेंट है अगर कोई इसको प्रॉब्लम है वो जा सकता है और आ भी सकता है, लेकिन जो है ना बाहर का बंदा वो आ जा नहीं सकता, अलाउ नहीं करते और किसी वजह से भी अलाउ नहीं कर रहे, चाहे कोई मेहमान है चाहे कोई भी ऐसा उनका मेम्बर है वो नहीं आने दे रहे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर बहरिया के अंदर भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको टेस्ट रिक्वायर्ड है। और उसके बाद वो आप बता रहे थे कि NOC के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है अगर वो पहले ही हर चीज़ को कवर करके एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर आएगा तो इसी लिहाज से इसी जो है ना कम्युनिटी का बचाव भी इसी तरीके से एक अच्छे तरीके से ही होगा। तो दूसरे जो है लिहाज से आप SOPs की बात करते कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, इन्होंने उनके लिए भी जो है SOPs, और आज ऑफिसेज की बात करें तो ओपन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सोशल डिस्टेंस, फिर उन्होंने कहा है कि हर जो एक जिस भी बिल्डिंग में ऑफिसेज हैं उन्होंने एक एक अपना एक पूरा पूरा पंपलेट बना के वहाँ पे चस्पा कर दिया है SOPs सारे उसके ऊपर, उसके ऊपर जी जी हाँ। के जनाब अटेंडेंस, उसके बाद जो यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एक ऑफिस के अंदर, ठीक है, उसके बाद वो आ रहा है और जो भी सिम्टम्स उसके अंदर हैं या नहीं है वो डेली बेसिस पे चलेंगे, और जो जो डिस्टेंस एक रखा जाएगा सोशल, और मास्क और ग्लव्स का पहनना ज़रूरी है, जो सैनिटाइज़र उसका जो इस्तेमाल ज़रूरी उन्होंने रखा गया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारी सेहत के लिए। अगर हम जो हैं वो आप सेहतमंद रहेंगे
तो जो सारे मामला जो है ना चल पाएंगे। तो इसी तरीके से फिर उन ऑफिसेज का टाइम भी जो है ना वो भी उन्होंने 9 से 5 बजे तक रखा गया। तो उसके अंदर माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छा दिन गुजरा इस लिहाज से। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे इन्होंने जो है ना एक SOPs के लिहाज से बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स लिए हैं। बहुत अच्छे जो है ना वो आपका क्या ख्याल है माही भाई, आज का दिन आपने गुजारा, कितने एक्टिविटीज थी या क्या करा है? मैं जी वो सही कह रहे हैं आप लोग। आज जहाँ हमारा ऑफिस है मेन जना एवेन्यू पे काफ़ी रश था, काफ़ी कार्स थी नीचे, काफ़ी चहल पहल थी लोगों की। लेकिन मैंने एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखी है कि मैं जितने लोगों से मिला किसी ने हैंडशेक नहीं किया, कोई करीब नहीं आया, बिल्कुल सब ने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को भरपूर तरीके से निभाया है, ऑब्ज़र्व किया है। और मास्क सब ने यूज़ किए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हर एक की पॉकेट में मैंने देखे। लिफ्ट्स के आगे कोई अटेंडेंट था वो हैंड सैनिटाइजर्स दे रहा था। और ऑफिसेज में तो आपने देखा ही है कि उनके डोर्स पे प्रिकॉशनरी मेजर्स चस्पा किए गए, और ऑफिसेज के अंदर चेकलिस्ट्स हैं सारे एम्प्लॉयज़ की, उनके अटेंडेंस की, उनके सिम्टम्स की कि उन्हें कुछ है या नहीं है। और इसके अलावा वहाँ फेस मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर सब अवेलेबल है। और ऑफिसेज में भी साथ साथ नहीं बैठे हैं लोग, उन्होंने भी डिस्टेंस को डिस्टेंस रखी हुई है, मेंटेन मेंटेन रखना रखा हुआ है। सही अब देखें हम लोगों की बात कर लेते हैं, हम लोग तो रोज़ाना का मिलना जुलना है, हम लोगों को पता है कि हम किसी और से मिलते ही नहीं हैं, वी आर अ ग्रुप एंड वी आर आइसोलेटेड। बिल्कुल ऐसे ही, तो इस वजह से हम साथ वे बैठ ऑलरेडी रहे इन हैं, करंट टाइम। ऑलरेडी इन क्वारंटाइन, वरना तो हमें भी वैसा डिस्टेंस पे बैठना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल कि सोचते हैं इस बारे में कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहीं मिलना जुलना या आना जाना होता नहीं है। तो अब आज से हमें केयरफुल होना पड़ेगा कल से, कि हमारे पास ज़ाहिर है शहर से क्लाइंट्स भी आएंगे, आज भी एक दो ने विज़िट किया, उनके लिए भी हमारे ऑफिसेस में भी जो हमारा ऑफिस बॉय था उसने उनको सैनिटाइज़र दिया, मास्क उन्होंने खुद पहना हुआ बिल्कुल था, ऐसे। एक डिस्टेंस पे वो बैठे। और तो इन चीज़ों का ज़रा ऑब्जर्व, डे टू डे वी हैव टू लर्न एंड अडॉप्ट टू इट, बिकॉज़ इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा, वी के नॉट स्टॉप द लाइफ। तो ये मेरे व्यूज़ हैं इस पर फिलहाल अभी इस तक। प्रैक्टिस को यानी कि किया गया आज, और इसको जो है ना डेली बेसिस पे किया जाएगा, और ये भी अगर नहीं करते, कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको जो पेनल्टी की शक्ल में या तो ऑफिस को सील किया जाता है, यानी कि एक लेसन है जो है ना सेहतमंद रहने के लिए हमें जो एक लेसन दिया जा रहा, तो हम वो फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए ही बेहतर है, और आने वाले के लिए भी वो जो है ना देखें, सबसे जो बेहतर जो है। नहीं फॉलो कर रहा वो अपना नुकसान कर रहा है, बिल्कुल इट्स वेरी अपना भी कर सिंपल। रहा है, हाँ उसके साथ साथ सोसाइटी या बिल्कुल बेसिकली तो बैरियर यही चाह रहा है कि यहाँ के लोग हेल्दी हों, यहाँ पे डिजीज स्प्रेड ना हो, यहाँ पे चीज़ें जो भी हैं अंडर कंट्रोल रहें, और उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जाए, और एक हेल्दियर सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कदम है। और मेरे ख्याल में जो खास तौर पे ओवरसीज हैं हमारे लोग, वो इस बारे में खुश भी होते हैं कि यार, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसको मैनेज किया जाता है, जो कंट्रोल्ड है, जहाँ पे जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, कोई चीज़ अगर बताई गई है क्या ये SOPs हैं आपका डिस्टेंस मैनेजमेंट के, या आपने सैनिटाइज करना है खुद को, या अपने आने जाने में कोई चीज़ें जिस तरीके से लिफ्ट्स के अंदर की मैं बात करूं, तो उसमें भी तो अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, और वाकई में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये तो नहीं है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है या इस तरीके से, इट्स नॉट जस्ट टू शो समथिंग, बल्कि ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रहा है, लोग बिल्कुल उसी तरीके से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इट्स अ गुड साइन यहाँ पे अच्छा हेल्दी कम्युनिटी। एक चीज़ और भी मैंने नोट की है कि Precinct 2 और Precinct 10A की जो मार्केट्स हैं कमर्शियल मार्केट्स, उन्हें पहले 5 बजे बंद कर दिया जाता था, बट अब उन्हें 11 बजे तक की इजाज़त दे दी रात तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई प्रिकॉशंस फॉलो नहीं हो रही, नहीं वो प्रॉपर्ली हो वो रहे, प्रॉपर्ली वाकई हो रही हैं मास्क अभी वगैरह तक। और हैंड लेकिन सैनिटाइजर ज़ाहिर वगैरह। है कि जो लोग रहते हैं उनकी आसानी के लिए उसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ देखें दुआ तो यही है कि इन चीज़ों की पाबंदी अगर रहे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेट्स सी, होप फॉर द तो कल बेस्ट से क्या इंशाल्लाह क्या जो होता है। लोग आज इन्होंने फिल्टर किए हैं बैरिया के हेड ऑफिस में जो ऑपरेशंस के जी लिए, कल से तो फुल फ्लेज और ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा। वही जो लोग थे, अगर खुदा ना खासा कुछ इन्फेक्टेड आते हैं, तो उनको शुरू से ही ये इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने पहले फिल्टर किया है कि जो लोग यहाँ पे बैठेंगे एटलीस्ट वो लोग स्प्रेड का मौजब ही बनेंगे, नहीं, उनके लंच टाइम तक प्रॉपर टेस्ट हुए हैं, उन्हें प्रॉपर टेस्ट उनके हुए हैं, कोरोना टेस्ट उनको हुए मतलब हैं। उनकी स्क्रीनिंग बेसिकली तो यही हाँ होती है कि जो स्क्रीनिंग हो जाए बंदों को पता चल क्योंकि जाए आज कि सिर्फ बुलाया इसलिए था, और तो कोई रीज़न नहीं था। ये रीज़न थी। एग्जैक्टली और कल से इंशाल्लाह सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जी, जाएंगी, जो इंशाल्लाह ट्रांसफर्स हैं या जिन लोगों की कोई भी क्यूरीज हैं बैरियर के हवाले से, तो इट्स अ गुड साइन जी। एंड हेल्दी कम्युनिटी यहाँ पे जैसे एक बन रही है, एग्जैक्टली लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कल बैठते हैं फिर बाकी इसके बारे में जो भी बात करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू, मच। अस्सलाम वालेकुम।